अल्सर एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। होप्स आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जोकाबी इटरेशन मेथड, जिस मेथड की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाए, इस मेथड के थ्रू हम लोग सीखने वाले हैं। इससे एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग में, तो इस मेथड को आप अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जोकाबी इटरेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये तीन इक्वेशन लिखा हुआ है, हमें यहाँ से x, y और z का वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ जोकाबी इटरेशन मेथड, नॉट अ नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो जोकाबी इटरेशन मेथड की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे और x, y, z का वैल्यू निकालेंगे। आइए सीखते हैं। ध्यान ये रखना है आपको, एक बात पहले ध्यान ये रखेंगे कि जोकाबी इटरेशन मेथड में जो है आपको एक बात ध्यान ये रखना है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, कहना क्या चाह रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा जो हम बोलने वाले हैं, इसको फिलहाल मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। फिलहाल इसे कोफिशियंट की मदद से इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ध्यान सुनेंगे जो हम बोलने वाले हैं, जैसे कहना क्या चाहते हैं, इसको इस तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट की मदद से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं, जैसे कि 20 हो गया, देखिए x का कोफिशियंट 20, y का कोफिशियंट 1 और ये हो गया क्या -2। यहाँ पे देखा जाए 3, 20, -1। यहाँ पे देखा जाए 2, -3, 20। इस तरीके से करके, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के इसलिए बोला कि इसमें आपको इसको देखना है, इसको फिलहाल पहले इसको देखिएगा, इस तीन को देखिएगा, डायगोनल एलिमेंट को देखिएगा। इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, या इसका एक और नाम है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। तो इसको मैं इसलिए देखने के लिए कह रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट ध्यान से देखिएगा, इस एलिमेंट के बारे में बातें करते हैं, तो ये जो एलिमेंट है, ये टर्म जो है, ये दोनों से बड़ा होना चाहिए, बिगेस्ट होना चाहिए। इस एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो ये एलिमेंट जो है इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये इस दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या इस दोनों के इंडिविजुअली बड़ा होना चाहिए। बड़ा है तो ठीक, भाई जो बड़ा नहीं है, सपोज दैट उसको बड़ा करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे क्या, कहना क्या चाहिए, जैसे मान नहीं कि चलिए सपोज इसी क्वेश्चन के बारे में बात करता, सपोज क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा रहता, क्वेश्चन बाय द वे ऐसा लिखा रहता 3x प्लस 2y 20y माइनस जेड इज इक्वल टू -18, 20x प्लस वाई, ठीक है, -2z इज इक्वल टू 17, 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन रहता, अगर इसको आप यहाँ से, इसको अगर आप यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या बन जाता, ये बन जाता कुछ ऐसा 3, 20 -1, 21 -2, 2 -3, 20, ठीक है, ये बन जाता। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर क्या है, या ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, अगर आप देखिएगा तो ये जो एलिमेंट है इस दोनों से बड़ा नहीं है। हमने क्या बोला कि ये एलिमेंट इस दोनों से बड़ा होना चाहिए, जो कि बड़ा नहीं है, ठीक है। उसी पर ये एलिमेंट यहाँ पर जो है वो इन दोनों से बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये दोनों एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इस दोनों से बड़ा है, ठीक है। लेकिन इस दोनों में, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, ये जो एलिमेंट है ये अपने नियरेस्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं है, मतलब कहने का अभी इसमें हम जोकाबी इटरेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो बाय द वे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता सपोज दैट, तो सबसे पहले हम क्या करते, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते और इसको नीचे कर लेते, इसको ऊपर और नीचे करने से ऐसा बन जाता, अब जा करके हम इसमें जोकाबी इटरेशन मेथड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बात ये सिखाया आपको जोकाबी इटरेशन मेथड लगाना कब है, ठीक है। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, जोकाबी इटरेशन मेथड लगाने से पहले जो भी यहाँ पर इक्वेशन लिखा रहेगा, जो भी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखा रहेगा, उस लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड की कोफिशियंट की मदद से एक मैट्रिक्स बनाइए। ये मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है,
ठीक है, डायगोनल एलिमेंट है, जैसे कहने का डायगोनल एलिमेंट है, ये अपने नियरेस्ट दो एलिमेंट है उससे बड़ा होना चाहिए, इस दोनों से इंडिविजुअली बड़ा हो या इस दोनों के सम से बड़ा हो, ठीक है। 20 जो है इस दोनों से इंडिविजुअली भी बड़ा है और 20 जो है इन दोनों के सम से भी बड़ा है। ये 20 ये एलिमेंट इस दोनों से इंडिविजुअली भी बड़ा है और ये एलिमेंट इस दोनों के सम से भी बड़ा है। ये एलिमेंट भी वही बात, दोनों के इंडिविजुअल एलिमेंट से भी बड़ा है और ये एलिमेंट इस दोनों के सम से भी बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक तो कहने का इस क्वेश्चन में हम जोकाबी इटरेशन मेथड लगा सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि ऐसी बात मन में ना रखें कि ये दोनों हमेशा सेम ही होगा क्या, नहीं सेम होने की जरूरत नहीं है। बाय द वे अगर यहाँ पे 18 भी लिखा रहता, सपोजर मान के चलिए सपोजर यहाँ पे 18 लिखा रहता, ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या लिखते, 18 लिखते, है ना। तब अगर आप यहाँ पे 18 लिखते तो भी ये जो 18 है इस दोनों से बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, और ये जो 18 जो है इस दोनों के इंडिविजुअल सम से भी बड़ा है। तो पहले अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें सिखाई आपको कि जोकाबी इटरेशन मेथड लगाते कहाँ पर हैं, ये हमने सिखाया। होप सो यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी, ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, उसका आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है। तो आप जब भी आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसके प्रॉब्लम को, परेशानी को आप लिख देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जोकाबी इटरेशन मेथड का कहना क्या है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोकाबी इटरेशन मेथड। देखिए तो जोकाबी इटरेशन मेथड में, ठीक है, सबसे पहला काम, ये तीन इक्वेशन इस तरीके से दिया रहेगा, लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। अब यहाँ से क्या करना, आप सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इक्वेशन में से आप यहाँ से एक्स निकाल लीजिए। तो पहले इक्वेशन में से एक्स निकाल लीजिए, कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए 20x इज इक्वल टू ये वाई और जेड यहाँ पे है, इधर जानने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 माइनस वाई प्लस 2z। एक्स निकालने के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z। होप सो आप यहाँ तक चीज़ समझ गए होंगे, आप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यहाँ से एक्स निकालिए, पहले इक्वेशन से आपने एक्स निकाल लिया, उसी प्रकार क्या कीजिए आप दूसरे इक्वेशन से वाई निकाल लीजिए। तो जब दूसरे इक्वेशन से वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20y इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 3x प्लस जेड। तो यहाँ से क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू 1/20 माइनस 18, ठीक है, एक्स है आपका, ठीक है। चलिए माइनस 18 माइनस 3x प्लस जेड, इससे उसी प्रकार यहाँ से जेड निकाल लीजिए, ठीक है। तो जेड 20z इज इक्वल टू 25 माइनस 20x प्लस 3y। तो जेड निकालते हैं, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 25 माइनस 20x प्लस 3y, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ से समझ गए होंगे, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल दिया। होप्स यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद का सुनिएगा कहानी कैसे करते हैं इसको। तो इसको हमने क्या किया, ठीक है, इतना कर लेने के बाद इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, ये इक्वेशन वन हो गया आपका, ये इक्वेशन टू हो गया आपका, ये इक्वेशन थ्री हो गया। अच्छे समझेंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, इस पर आप अच्छे से समझना, बहुत बच्चे गलती करते हैं लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री कर लिया, ठीक है। इसके बाद सुनिए, पहला स्टेप, फर्स्ट वन क्या करते हैं, पुट, ठीक है। तो पहला स्टेप पे हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसा जैसे कि जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड को सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए, एक्स वन लिख लेते हैं यहाँ से, एक्स वन, समझेंगे यहाँ पे, एक्स वन लिख लिया,
एक्स वन, जब एक्स वन लिखते हैं ठीक है, जैसे इसको एक्स वन किया तो रिमेनिंग वन जो यहाँ पर है वाई नॉट और जेड नॉट जो है यहाँ पे है ठीक है, सॉरी वाई और जेड है, इसके जगह लिखते हैं वाई नॉट, यहाँ लिखते हैं जेड नॉट। तो कहने का एक्स वन इजिकल टू वन अपॉन ट्वेंटी सेवेंटीन माइनस वाई नॉट कर लीजिए इसको और इसको जेड नॉट कर लीजिए ठीक है, वाई नॉट और जेड नॉट। होप्स यहाँ तक समझे होंगे आप, चीज़ें क्लियर है। वाई नॉट कर लिख लिया और क्या लिख लिया जेड 17 माइनस वाई नॉट प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस टू जेड नॉट। फिर से बात करते हैं सेकेंड वाले में वाई वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी माइनस 18 माइनस 3 एक्स नॉट प्लस जेड नॉट। फिर यहाँ से देखा जाए जेड वन इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी 25 माइनस 2 एक्स नॉट प्लस 3 वाई नॉट, ये ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, फटाफट बताएं, होप से यहाँ चीज़ें क्लियर होगी आपको। चलिए ठीक है, अब यहाँ से क्या है ध्यान समझेंगे, मेरी बातों को सुनते रहेंगे ठीक है। यहाँ से फिर क्या करते हैं हम, इसके बाद सुनिए क्या कहते हैं, इसे पहला स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप। इसमें नया कुछ नहीं किया, इस x को x1 लिखा, इसको y1 लिखा, z1 लिखा। जब इसको x1 लिख रहे हैं अंदर में जो y और z है इसको y0 और z0 कर दिया, यहाँ इसको y1 लिखा तो यहाँ से क्या होगा 3x0 कर दिया और z0 कर दिया, उस सिर्फ अगर यहाँ z1 किया तो यहाँ x0 और यहाँ y0 हो गया ठीक है। अब आगे सुनिए क्या करते हैं, इसमें इतना कर लेने के बाद अब क्या करते हैं, ये तीन इक्वेशन, नया तीन इक्वेशन मिल गया आपको, अब इसके बाद की कहानी क्या है वो सुनेंगे। पुट कर लेते हैं, पुट एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, तीनों के जगह पर हम पुट कर लिए जीरो। जब तीनों के जगह पर मैं जीरो पुट कर लिया तो क्या बन गया, यहाँ से आपको पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा, एक्स वन वाई वन और जेड वन का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे हमने पुट किया यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा 17 अपॉन 20, x2। तो जब x2 के बारे में हम बात करेंगे ठीक है, तो x2 में क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, फिर इसको पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा माइनस 18 अपॉन 20। और अगर हम बात करते हैं जेड टू, सॉरी एक्स, यहाँ पर वाई वन है, सॉरी यहाँ वाई वन है, ये वाई वन, फिर यहाँ बात करते हैं जेड वन, जेड वन तो जेड वन में क्या आ जाएगा 25 अपॉन 20 ठीक है। इस प्रकार क्या मिल गया आपको, एक्स वन मिल गया, वाई वन मिल गया और जेड वन मिल गया, एक्स वन वाई वन जेड वन। इसको अगर और सॉल्व करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.85 आएगा, सॉल्व कीजिएगा आप आएगा तो ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा माइनस 0.9 आएगा, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा 25 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे यहाँ से आ जाएगा 1.25। तो इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया, इस प्रकार देखा जाए आपका एक्स वन मिल गया, वाई वन मिल गया और क्या मिल गया, जेड वन मिल गया, एक्स वन वाई वन और जेड वन। चलिए अब निकालते हैं हम लोग, अब इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट देखिएगा ठीक है। तो इसको आप समझिए ठीक है, एक्स वन मिल गया, वाई वन मिल गया और जेड वन मिल गया। अब आगे बात करते हैं फिर से हम आपसे, अब जो x1 है y1 है z1 है ठीक है, अब x1 के जगह लिख दीजिए x2 कर दीजिए, लेकिन जैसे ही आप x2 कीजिएगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा और ये z1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिए, इसको y1 के जगह लिख दीजिए y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा और यहाँ पे ये z1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर z2 कर देंगे z2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस तरीके से कुछ हो जाएगा ये x1 और y1 ठीक है। तो x2 y2 और z2 आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, अब ध्यान से देखिए चीज़ों को, आप क्या कर चुके हैं, आप यहाँ से x1 y1 और z1 का वैल्यू निकाल चुके हैं। ये जो x1 y1 और z1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, इस x1 y1 और z1 के वैल्यू को बारी बारी से इसमें पुट कीजिए आप ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है समझेंगे, देखिए ध्यान से,
यहाँ पर पहले में y1 और z1 का वैल्यू पुट किया, तो y1 और z1 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू y1 और z1 का वैल्यू आप इसको पुट कीजिएगा। पुट करने के जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो क्या आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.02, सॉल्व करेंगे आएगा 1.02। उसी प्रकार इस इक्वेशन में x1 और z1 का वैल्यू पुट कीजिए, तो x1 और z1 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा y2, ठीक है। y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा पता है आपको, -0.965। उसी प्रकार z2 के बारे में बात करते हैं, z2 तो फिर से z2 के लिए क्या है भाई, यहां से x1 और y1 का वैल्यू आप यहां से पुट करोगे तो पुट करेंगे z2 मिलेगा, ठीक है। z2 क्या मिलेगा इससे, z2 है आपका, ठीक है, z2 है। तो z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, z2 का वैल्यू आया सॉल्व करेंगे तो 1.03 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया, इस प्रकार आपने x2 y2 और z2 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। चलिए होप्स यहाँ तक समझ गए होंगे आप। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं कुछ रब कर रहा हूँ आप इस जो है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप होप्स हो आप यहाँ से नोट डाउन कर लिए होंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें आप। चलिए इस प्रकार क्या हो गया कि x2 y2 और z2 निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे ही कंफ्यूजन आपको ये हो रहा होगा कि सर यहाँ पे x1 y1 z1 ऐसे है, आप यहाँ पे y1 z1 मतलब 1 नीचे लिखे हो सर, ऊपर 1 लिखे हो, तो उससे कुछ बहुत मतलब नहीं है। चलिए अगर ये ऐसा है आपको लग रहा है, इसको ऊपर कर लें आप, इसको ऐसा कर लो आप, ठीक है। चलिए ऊपर लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो इस पर आपने क्या निकाल लिया, x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 और z2 हो गया। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग x3 y3 और z3 के लिए। x3 y3 z3 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे 3 आ जाएगा है ना, x3 जब यहाँ पे 3 लिखूंगा तो रिमेनिंग पर यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो यहां से देखिए, अब यहां से क्या निकालना, x3, ठीक है, x3 y3 और z3। चलिए तो x3 देखिए, x3 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y2 और z2 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो पुट कर लें आप, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो y2 और z2 का वैल्यू पुट कीजिए हम पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा। आप सॉल्व करना y2 और z2 का वैल्यू रख करके आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपको आने वाला क्या है सॉल्व करना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.00125, ठीक है। चलिए अब y3 निकालना है आपको। चलिए तो इस प्रकार क्या मिल गया आपको, x3 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। y3 निकालना है आपको, ठीक है, y3 तो y3 में क्या करना है आपको, x2 और z2 का वैल्यू पुट करें यहां से, तो x2 और z2 का वैल्यू पुट करके जब सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तब यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1.0015, ठीक है। इसी प्रकार z3 के लिए बात करूं, तो x2 और y2 का वैल्यू पुट कीजिए, तो x2 और y2 का वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा z3। तो z3 आपका क्या आएगा, x2 और y2 का वैल्यू पुट करने का z3 मिलेगा आपको 1.00325, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, x3 y3 और z3। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे समझेंगे मेरी बात को। इस प्रकार x3 मिल गया, y3 मिल गया और z3 मिल गया।
इसी प्रकार अगर मैं बातें करूं एक्स फोर वाई फोर और जेड फोर निकालना होता है, ठीक है, यहाँ पर एक्स फोर लिखना है, एक्स फोर, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, जब यहाँ फोर लिखूंगा यहाँ पे थ्री लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फोर लिखूंगा यहाँ पे थ्री हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पर फोर लिखूंगा यहाँ पे थ्री हो जाएगा और यहाँ पर थ्री हो जाएगा, इस तरीके से। और फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि आपको x3, y3 और z3 सबका वैल्यू मालूम है, आप वैल्यू पुट करके x4, y4 और z4 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए यहां से निकालते हैं x4, तो x4 यहां से x4 निकलना है आपको, x4 एक y3 और z3 का वैल्यू पुट करने का x4 निकलेगा, सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आएगा 1.0004। फिर x5, x5 के बारे में बात करूं, x5 सॉरी y4 y4 के बारे में बात करूं, y4 तो y4 x3 और z3 का वैल्यू पुट करने के बाद y4, तो y4 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से -1.00025, ठीक है, x4 y4, फिर क्या हो जाएगा z4, 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 तो z4 के लिए बारे बात करते हैं, z4 तो z4 के लिए बात करेंगे, फिर से पुट करेंगे x3 और y3 का वैल्यू, तो z4 का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.999965, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद अब आपके मन में चल रहा हो ऐसा कब तक करेंगे, आप आगे भी कर सकते हो, कोई आपको रोका नहीं है, आप x5, y5, z5 आगे भी निकाल सकते हो, ये कब तक करेंगे, देखिए इसको ऐसे x1 y1 z1 लिखते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, सेकंड x2 y2 z2 के लिए सेकंड इटरेशन, और ये हो गया आपका थर्ड इटरेशन, ये हो गया फोर्थ इटरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ ना कहे, ठीक है, तो थर्ड इटरेशन तक निकाल के आप छोड़ देना, नहीं तो रूल ये कहता है कि निकालना है तब तक निकालना है जब तक दो लगातार इटरेशन में सेम वैल्यू ना आ जाए। कहना क्या चाहते हैं, देखिए इस दोनों में देखिए ध्यान से, लगभग सेम है कि नहीं, 1.00125 है, 1.0004 है, पर अप्रोक्स 1 के बराबर है, उसी प्रकार यहाँ क्या है -1.0015 है और -1.0025 है, इट मींस ये लगभग लगता है -1 के बराबर है, इक्वल टाइम अप्रोक्स इक्वल, नॉट परफेक्टली इक्वल। यहाँ पे बातें करूं 1.0025 है, यहाँ पे देखिए 0.0965, मतलब जस्ट लाइक 1 के बराबर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो बस यही तक आप रोक देना, रूल कहता है कि कब तक चलना है, जब तक आपको जो है दो लगातार इटरेशन का सेम वैल्यू ना दिख जाए, मतलब यहां से ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, तो इसका अप्रोक्स सॉल्यूशन, इसके अप्रोक्स सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, तो लगभग इसका वैल्यू आ सकता है, एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू आ सकता है हम लिख सकते हैं 1-1 और ये 1, ठीक है, तो ये क्या आ गया सॉल्यूशन हो गया, इसका वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -1 और इसका वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो का भी इटरेशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसी मेथड के तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो कोई भी किसी प्रकार का कोई परेशानी होगा, किसी स्टेप में समझ नहीं आ रहा होगा आपको, कहीं कोई दिक्कतें आएगी, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपकी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी वादे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।